डिस्कसिंग द थर्ड वन एंड आई वॉज आस्किंग फ्रॉम सत्यप्रकाश. सत्यप्रकाश से बोला था टू रीड दिस वन वेदर इट इज हैविंग द लॉन्ग यू और शॉर्ट यू विच काइंड ऑफ साउंड इज देयर. सत्यप्रकाश ने बोला था शॉर्ट यू इज देयर. सत्यप्रकाश कैन यू रीड दिस वर्ड. यहीं से तो आप देखेंगे सिर्फ यही एक वर्ड है जहाँ पे डबल ओ साउंड है, डबल ओ लेटर है. इसको जरा पढ़िए क्या लिखा है. ब्रूमस्टिक. ये ब्रूम मींस होता क्या है पता है आपको? झाड़ू. ये जरा ब्रूम हिंदी में लिख के बताओ. छोटा ऊ की मात्रा लगेगा, बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा? बताइए बताइए क्यों समय वेस्ट कर रहे हैं सर? ब्रूमस्टिक में झाड़ू. हाँ ब्रूमस्टिक मींस झाड़ू तो सही है. मैं पूछ रहा हूँ इसमें ब्रूम अगर आप सिर्फ ये ब्रूम मैंने लिखा है इसको अगर आप हिंदी में लिखें ब्रूम सिर्फ ब्रूम ही लिखो, झाड़ू नहीं लिखना है, ब्रूम लिखना है हिंदी में. तो छोटा यू छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे ब्रूम लिखने में या बड़ा ऊ की? लिख भी दूं क्या? होगा क्या नेटवर्क के लिए चार्ज ज्यादा है फिर से मुझे क्लास लेनी पड़ रही है. आई वाज नॉट थिंकिंग दैट कि इट वाज इट विल बी देयर लाइक दिस. पहले एयरटेल का नेटवर्क काफी अच्छा था बट नाउ दे आर डूइंग गुड. यहाँ पे सत्यप्रकाश ने बताया ब्रूम लिखा है और बता रहे हैं छोटा मतलब शॉर्ट यू साउंड है. कितने लोग इसके साथ एग्री करते हैं? ब्रूम इज हैविंग द शॉर्ट साउंड. शॉर्ट साउंड के लिए आप वन फिंगर शो करें, लॉन्ग साउंड के लिए आप टू फिंगर्स यू कैन शो. एवरीबडी प्लीज एवरीबडी आर टेलिंग दैट कि देयर इज अ लॉन्ग यू लॉन्ग ऊ का साउंड है. Yes. और सत्यप्रकाश yes, ब्रूम बोल रहे हो फिर भी तुम बोल रहे हो ब्रूम 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 को छोटा कर बोलो, छोटा ऊ की मात्रा लगा दो ब्रूम हो जाएगा. ब्रूम आप ब्रूम yes. बोल रहे हो कह रहे हो शॉर्ट यू है. आप प्रोनाउंस सही कर रहे हो बट यू आर हैविंग द मतलब यू आर नॉट ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि आखिर बड़ा ऊ मतलब लॉन्ग ऊ साउंड है या शॉर्ट ऊ है. यहाँ पे लॉन्ग ऊ है, यू नीड टू सर्कल इट. Okay, now the next one, Dean. Sir, spooky. Sir, spooky. Ah, spooky is also there. Huh, sorry. Yeah, spooky is also there. Ab, spooky में आपका long sound है या short sound है? Sir, long sound. Long you. Sir, short sound. Sir, long you. Long है, spooky है बेटा. It's a spooky. Spooky नहीं है. अगर yes. इसको spooky बोल रहे हो. Yes, sir. पूकी पाप पे बड़ा ऊ की मात्रा लगा रहे हो दैट मींस कि ये लॉन्ग ऊ है. ठीक है yes, आप सबसे yes, आसान हिंदी में लिख लिया करो पूकी या पुकी. yes, पुकी तो है नहीं पूकी है तो दैट इज बड़ा ऊ की मात्रा लग रहा है तो दैट मींस यहाँ पे लॉन्ग साउंड से आपको देखे. नाउ द नेक्स्ट वन इज द टी डब्ल्यू टी एच एंड द यहाँ पे ये भी कई लोगों को पसंद भी होगा खाते भी होंगे. फिलहाल मश को अगर हटा दो केवल रूम बचेगा तो रूम मशरूम जो भी है स्पून कितनों सर स्पून भी है सब स्पून भी है सर थी. स्पून इज आल्सो हैविंग द लॉन्ग साउंड. मशरूम इज आल्सो हैविंग द लॉन्ग साउंड क्योंकि मशरूम सर बहुत लॉन्ग साउंड. स्पून स्पून में भी आपका बड़ा मात्रा है. टूथ टूथ तो है नहीं टूथ टूथ है तो दैट मींस कि देयर इज आल्सो द लॉन्ग साउंड. ये आपका लुक बोलते हैं या लुक्ड बोलते हैं? लुक तो शॉर्ट है. शॉर्ट है. ये गुड बोलते हैं या शॉर्ट बोलते हैं? गुड गुड शॉर्ट है या लॉन्ग है? शॉर्ट है. शॉर्ट मुझे नहीं लगता कि इसको डिस्कस करना चाहिए था लेकिन काफी बच्चे गलती कर गए इसीलिए मुझे सारा डिस्कस करना पड़ रहा है. द ये क्या है कुक. जो कुक है बोलते हैं या कुक बोलते हैं?
सावित्री जरा इसको सावित्री ये क्या लिखा है ये स्टूड है या स्टूड है हाँ स्टूड ये स्टूड है शॉर्ट यू शॉर्ट शॉर्ट वू का साउंड है तो बाकी सभी लोग इसको कर लीजिएगा इसी से रिलेटेड देयर इज एक्सरसाइज इन द बुक्सी बुक्सी में भी एक्सरसाइज है लेट अस सी दैट की व्हाट इज देयर आफ्टर वोकैब देयर इज अ फोनिक जंक्शन यू ऑल हैव टू राइट सम ऑफ द वर्ड्स आपको कुछ वर्ड्स की लिस्ट बनानी है यहाँ पे जो कि आपका प्रोनाउंस एज इन द बुक जैसे बुक में प्रोनाउंस किया जा रहा है नहीं बुक नहीं है ब्रुक है ठीक है और यहाँ पे जैसे सून ब्रुक मतलब आपका शॉर्ट यू जहां पे साउंड हो ऐसे ऐसे वर्ड की लिस्ट इस कॉलम में लिखना है और यहाँ पे जैसे सून लिखा है तो इस तरह के वर्ड्स जहाँ पे लॉन्ग ऊ साउंड आ रहा हो ऐसे वर्ड की लिस्ट यहाँ पे इस कॉलम में लिखना है हो जाएगा yes, फिर इसके बाद ये आसान है ये तो सेकंड थर्ड वाले बच्चे भी कर लेंगे ये है फिफ्थ वालों या फोर्थ वाले बच्चों के लिए असली चीज जो वर्ड्स आप वहां पे लिखे ना यू ऑल हैव टू यूज इन सेंटेंसेस स्कूल चलने वाला है देख भी सकता हूं मैं जब आइएगा तब मैं चेक करूंगा इसको स्कूल में ठीक है एक तारीख से स्कूल चलने वाला आप लोग की ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाएंगी दैट्स ऑल फॉर टुडे अच्छा देयर इज समथिंग 5 मिनट इज रिमेनिंग सो आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल अनदर थिंग बेटा आफ्टर द फोनिक जंक्शन देयर इज अ ग्रामर जंक्शन आई थिंक ना जंक्शन हम लोग शुरू कर सकते हैं लेकिन ग्रामर जंक्शन ग्रामर स्टेशन एक साथ में कवर करूंगा क्योंकि दोनों में सेम टॉपिक है वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल ये स्पीकिंग जंक्शन में कुछ आपको एक्टिविटी दिया है ये एक्टिविटी आपको पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि मैं आपको तुरंत पढ़ाऊं और तुरंत ही आप लोग बता ले जाऊं तो इसको समझ लीजिए राइटिंग जंक्शन स्पीकिंग जंक्शन दोनों आप सभी को करना है इट इज द होमवर्क क्योंकि ये क्लास वर्क में कराने लायक ऐसा कुछ नहीं है जब क्लास वर्क में होगा वो स्पीकिंग जंक्शन होगा क्या होगा जब आपसे बोला जाएगा कि यू हैव टू स्पीक तो जो बच्चे प्रिपेयर किए रखेंगे दे ओनली कैन स्पीक ऐसा नहीं है कि कोई भी जैसे बोला तुरंत ही कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दिया हाउ यू नीड टू स्पीक रीड अबाउट अ वी इन द पोएम हमने वी के बारे में पोएम में पढ़ा है बीज आर ब्लैक एंड गोल्डन कलर They make a buzzing noise when they fly and provide us with honey. Do you know what bees eat? क्या आपको पता है bees क्या खाते हैं? Where they are found? वे कहाँ पाए जाते हैं? और how long they live? वो कितने साल तक जिंदा रहते हैं? तीन क्वेश्चन पूछा गया है. तीनों क्वेश्चन जिसको आता है अच्छी बात है जिसको नहीं आता they can find. वो उनको पता लगाने की कोशिश करेंगे. Next, what you all need to do? In the group of four, आपके पास फिलहाल ग्रुप नहीं है आपको अकेले करना है because you are not in the school. आप लोग अपने अपने घरों से पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने घर पे आप स्वयं ही कोशिश करिएगा फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट bees. Bees के बारे में इंफॉर्मेशन आप फाइंड आउट करिए बहुत आसान है आप लोग एक्सपर्ट हैं कैसे खोजा जाता है इसके मामले में सर उसका पिक्चर भी दिखाना है लेट मी एक्सप्लेन अगर कुछ बचा रहेगा तो आप पूछिएगा अगर मैं कुछ नहीं बता रहा तो आप पूछिएगा तब मैं बताऊंगा बीच में टोका टाकी नहीं इट्स नॉट ए गुड हैबिट अभी मैं कंप्लीट ही नहीं किया मैं बता रहा हूँ ना इन ए ग्रुप ऑफ फोर ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं आप अकेले ही यू ऑल नीड टू फाइंड द इन्फॉर्मेशन अबाउट बीस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है इन रिसेंट टाइम्स अभी जल्दी के समय में क्या हुआ द पॉपुलेशन ऑफ बीस हैज बीन डिक्लाइनिंग शार्पली जो पॉपुलेशन है जो बीस की जो संख्या है कहीं ना कहीं ये बहुत तेजी से घट रही है Find out why. आपको find out करना है क्यों ऐसा क्या reason है why. And share your finding. जो भी आपने खोजा है जो भी आपने पता लगाया है whether it is from your young ones, whether it is from the Google, कहीं से भी आपने पता लगाया हो आप अपने किसी book से find out किए हैं वो सारी चीजें आपको share करना है with your classmate. और ये कब share करेंगे During the live class. बोल बोल के करेंगे अब क्या क्या cover कर सकते हैं बोलने में Name of the bee species. आप जो बीज के प्रजातियां हैं उसके बारे में बोल सकते हैं फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड पिक्चर्स आप उसका पिक्चर दिखाते हुए फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी बता सकते हैं पिक्चर नहीं है कोई बात नहीं अगर कोई पिक्चर भी दिखा सकता है कि दिस इज बीज बहुत बढ़िया तो बीज को दिखाते हुए उसके फिजिकल डिस्क्रिप्शन शो कर सकता है
रीजन वेयर दे आर फाउंड, ऐसे रीजन जहां पे वो फाउंड किए जाते हैं, जहां पे पाए जाते हैं। यूनिक फीचर्स, वीज के कुछ यूनिक कोई अनोखा फीचर जो और किसी भी इंसेक्ट्स में या नहीं पाए जाते हों, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। यू आर नॉट लिमिटेड टू ओनली दीज फोर पॉइंट्स, आप और भी ज्यादा वीज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हो, यू ऑल कैन टेल, यू ऑल कैन शेयर विथ योर क्लासमेट्स, आप अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये इसके लिए आपको प्रिपेयर होके आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है मैं सुबह उठा चलो आज स्पीकिंग इंग्लिश पढ़ेंगे, चलो ये बताना है बताओ, अब कौन बताएगा, जिसको आता होगा वही तो बताएगा, जानकारी तो होनी चाहिए ना। यस सर। आप जो नॉलेज है वो एक्वायर करिएगा, यू ऑल हैव टू फाइंड आउट द नॉलेज, ओके। जो बच्चे मेहनत करके, जो बच्चे खोज के आएंगे फिर वही बोल पाएंगे, मुझे विश्वास है कि सारे बच्चे बोलेंगे, बिकॉज आपको शुरू में ही बता दिया जा रहा है। In the next class, we yes, will do this activity. Next class mein ye activity hum karenge, okay? Yes, sir. One more thing. Last minute is going on. Last minute mein ye writing function bhi ho jayega. Kya karna hai? In the poem, the sunshine tells the bluebird. Jo sunshine hai, wo bluebird se batata hai. Aur jab bluebird ko pata chalta hai, to wo kisko batata hai? Bluebird tells to the brook. Brook ko batata hai. Brook tells to the river. River tells to the meadow. And meadow tells to the bee. और bee जो जाके flower को बताता है, flower किसको बताया होगा? इसी तरीके से चार और भी आप बताइए, लाइनें जोड़ना है, वही आपको करना है। Add another four lines to the poem. आप चार लाइन और ऐड कर दीजिए, यानी tells the flower, flower tell to the breeze. Car. अब कोई भी आप, it is on you बेटा. Flower tell to the ground. भी बोले, please last minute चल रहा है, disturb ना करें मेरी, मुझे बात complete कर लेने दे। कोई बात होगी आफ्टर द सेशन यू ऑल कैन स्पीक। फ्लावर ब्रीज को बताया होगा, ब्रीज किसको बताया होगा, फिर वो पर्सन किसको बताया होगा, चार आपको ओवर ऐड करना है। एंड ऑल्सो यू नीड टू कंप्लीट दिस सेक्शन, राइटिंग मेंशन भी आपको कंप्लीट ही कर लेना है, ओके? यस सर। नाउ इज देयर एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। चलिए आज के लिए इतना ही, राइटिंग जंक्शन आप लोग करने की कोशिश करिएगा, स्पीकिंग जंक्शन के लिए प्रिपेयर रहिएगा, नेक्स्ट क्लास में स्पीकिंग जंक्शन